लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की अहम योजना माना जा रहा है और ये योजना आगामी विधानसभा चुनावों में महिला वोटर आकर्षित करने में मुख्य भूमिका निभा सकती है। मध्य प्रदेश की 125 करोड़ महिलाओं को जल्द ही लाडली बहना योजना का लाभ मिलने लगेगा, यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस योजना से जुड़ी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि डालना शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस योजना जुड़ी लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के आवेदनों के लिए दावा आपत्ति भी दर्ज हुई है। बता दें कि इस योजना की योग्यता निर्धारण के लिए सरकार पहले ही कई नियम और बिंदु निर्धारित कर चुकी है, जिनके आधार पर महिलाओं को इस योजना से बाहर भी किया जा सकता है। आज हम इसी से जुड़ी विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को अब इस योजना का आंतरिक विश्लेषण भी मान सकते हैं, या विश्लेषण भविष्य में इस योजना के बड़े सवाल भी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस योजना का विस्तृत विवरण दिनेश दसौंधी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश दसौंधी, एक बार एक विशेष रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर हूं। आज मैं आपको लाडली बहना योजना से जुड़ी विशेष जानकारियां देने जा रहा हूं, जिसे आप इस लाडली बहना योजना की आंतरिक एनालिसिस भी मान सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 125 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं ने लाडली बहना योजना के लिए आवेदन किया है। इन 1,25,00,000 आवेदनों में लगभग 2,03,042 आवेदनों के लिए दावा आपत्ति मिल चुकी है, यानी इन आवेदनों की दावा आपत्ति सही पाए जाने के बाद सरकार कभी भी इन महिलाओं को योजना से बाहर कर सकती है। हालांकि इस योजना से इन महिलाओं को कब बाहर किया जाएगा, इसको लेकर किसी प्रकार की कोई जवाब आधिकारिक जवाबदेही अभी सामने नहीं आई है। क्या इन महिलाओं को चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद बाहर किया जाएगा या अभी बाहर कर दिया जाएगा, इसको लेकर अभी कोई जवाबदेही सामने नहीं आई है। किंतु सूत्रों के मुताबिक जिस गांव जिस शहर से जितने भी आवेदन हुए, सभी को अभी स्वीकृति की श्रेणी में रखा गया है, यानी सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे देश में प्रधानमंत्री सम्मान योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना में लगभग 2 वर्ष बाद, इस योजना के 2 वर्ष बाद कई किसानों को अपात्र घोषित करते हुए, अपात्र मानते हुए इस योजना से बाहर किया गया था। यही नहीं, अपात्र किसान जो हुए थे उन किसानों से सरकार द्वारा 2000 रुपये की जितनी किस्त उनके खाते में जमा हुई थी वो वापस ली गई थी। क्या लाडली बहना योजना में भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत उठापटक होगी? इस तरह के प्रश्नों का अभी कोई जवाब नहीं है। हालांकि इन प्रश्नों के जवाब अभी भविष्य की गर्तों में छिपे हुए हैं। महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि चंद दिनों के अंदर महिलाओं के खाते में 1000 रुपये लाडली बहना योजना के तहत डाले जाएंगे और उन्हें आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस योजना की पहली किस्त डाल दी जाएगी। आज की रिपोर्ट में इतना ही, आगे फिर ऐसी की रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऊन में शनिवार को वट सावित्री का पर्व बड़े ही हर्ष के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा करके अपने जीवन साथी के कुशल क्षेम की कामना की। हिंदू धर्म में कई पर्व और त्योहार प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं। इन पर्वों पर लोगों द्वारा पेड़ पौधों एवं प्रकृति से जुड़ी अन्य संसाधनों की पूजा की जाती है, जिनमें वट सावित्री का व्रत भी शामिल है। उनमें शनिवार को महिलाओं द्वारा इस व्रत का निर्वहन किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा वट के वृक्ष के नीचे इकट्ठा होकर व्रत कथा सुनी गई एवं वट वृक्ष को कच्चा सूत लपेटकर पूजन किया गया। निमाड़ में महिलाओं द्वारा यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र एवं सकुशल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने से उनके जीवन साथी के दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। किस तरह का व्रत है और ये व्रत क्यों किया जाता है? ये व्रत वट सावित्री पूर्णिमा का है, इस पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो यह साल में कितनी बार आता है? ये साल में एक बार आता है, एक ही बार आता है पूर्णिमा के। तो इस रोज क्या करते हैं आप लोग? वट देवता की पूजा की जाती है वट सावित्री के पूर्णिमा के। इस व्रत की क्या खासियत है? इस व्रत को पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और शुभकामनाओं के साथ ही उपवास करती है और आज के दिन पूजा व्रत करके वट की पूजा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उनके पति की लंबी आयु प्राप्त करे। क्या नाम है आपका? सपना ठाकुर। आपका नाम? चेतना गुप्ता।
बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।